आप सब के फेवरेट पवनदीप राजन ने नेपाल में कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। साथ ही साथ आखिर क्यों पवनदीप को नेपाल में आई अपने सबसे अच्छी दोस्त अरुणिता की याद, आखिर क्या है इसको लेकर पूरी खबर, चलिए बात करते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि पवनदीप राजन इस वक्त नेपाल में हैं और वहां पर पवनदीप राजन के दो लाइव शोज हैं। पवनदीप 23 अप्रैल को नेपाल पहुंचे थे और नेपाल के एयरपोर्ट पर पवनदीप का स्वागत इस तरह से हुआ था जैसे पवनदीप कोई बहुत बड़े नेता हो। जिस तरह से किसी बड़े नेता का स्वागत किया जाता है उसी तरह से पवनदीप राजन का नेपाल में स्वागत हुआ। बात करें अगर पवनदीप राजन के लाइव शो की तो पवनदीप राजन की एनर्जी इस शो में देखने वाली थी। पवनदीप राजन ने अकेले एक घंटे से ज्यादा परफॉर्म किया। सूरज जी ने शो की दो क्लिप्स भी शेयर की हैं जिसमें पवनदीप परफॉर्म कर रहे हैं। पवनदीप ने ड्रम के साथ भी परफॉर्म किया लेकिन सबसे ज्यादा जो इस लाइव में देखने वाली चीज थी वो थी पवनदीप राजन की एनर्जी। पूरे एक घंटे के लाइव शो के दौरान पवनदीप की एनर्जी कहीं भी कम नहीं हुई। ज्यादातर पवनदीप ने इस लाइव शो में सैड सॉन्ग गाए जिससे पवनदीप के साथ साथ हर किसी को अरुणिता की याद भी आई। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करें, ऐसी कुछ खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।